जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इंकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है। मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे, छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश में जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए फर्ज भी निभाना है। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है, तो क्या हुआ उसका पति जिंदा है, देश तो जिंदा है। हो सके तो मेरे पड़ोसी मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना, वो देख ले मुझे फिर मुझे जला देना, लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत बहाना। नहीं नहीं, एक सिपाही आंसुओं से डरता नहीं है, लेकिन आंसुओं को क्यों बहाना जब एक सिपाही कभी मरता नहीं है। जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं, शहीद हूं, देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं। ऐ मेरे दोस्तों, एक आखिरी बात आज के युवाओं से जरूर करना, डॉक्टर लॉयर इंजीनियर बेशक बनो, लेकिन दिल में देश का नाम हमेशा रखना। कर सको तो कुछ ऐसा करना जिससे देश पे आने वाली हर मुश्किल की शिकस्त हो। पूरे साल तिरंगा कुछ यूं लहराए मानो हर दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त हो। जय हिंद। जो भी बोल, मस्त हुआ।